ये कंट्रोल रूम से एक वीटी आई थी, उस पर हम मौके पे गए थे, जो वहाँ पता लगा कि भाई भाई इसके दोस्त जो हंस राज और हंसा ने अपने नाना ओम प्रकाश को ना शेरू से चोटें मार दी। फिर जो वहाँ जी सोनीपत में उसको दाखिल कराया गया, वहाँ रेफर कर दिया गया बीपीएस खानपुर, वहाँ रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। फिर 174 सीआरपीसी कार्रवाई अमल में लाई गई थी हमारे द्वारा, मामला दर्ज कर लिया गया। हाँ, एफआईआर लॉन्च कर दी। आरोपी गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया अभी तक, उसकी तलाश जारी है। टीम ने बढ़ाई गई है, उसको उसके परिवार पर दबाव बनाकर और उसको पेश करने के लिए बतलाया गया। ऐसा सर, जैसे मान लो रात के 12 बजे वो घर पे आया, और घर पे आने पास ही ने बोल दिया कि भाई जो है ना तुम बाहर निकल जाओ और तू रात को मत आया कर बिल्कुल भी। तो इनने जो है उस बात में विरोध कराया, विरोध करने के बाद वो एक बार चले गए। जाने के बाद फिर उसने जो है वापस आके और दरवाज़ा खोल के उसको लठ इतने मार दिए। उसके बाद हम जैसे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद और वहाँ से अस्पताल से उन्हें रेफर कर दिया खानपुर। खानपुर जैसे हम ले गए ना, और जाते जाते समझो अंदर गए थे, जैसे ही दम तोड़ दिया उसने।